बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नवाए शहीन डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं सलीम शहीन, और सोलर पैनल की ताज़ा तरीन कीमतों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में पेश हूं। प्यारे पाकिस्तानियों, बहुत से लोगों ने सोलर पैनल ख़रीदने का बायकॉट किया हुआ है। वैसे भी गंदम का रेट ज़्यादा ना होने की वजह से किसान बेचारे परेशान हैं। गंदम की कटाई से पहले किसानों ने भी सोलर पैनल ख़रीदने का सोच रखा था, और सोलर पैनल बेचने वालों के जहन में भी ये बात थी कि गंदम के सीज़न में सोलर पैनल बड़ी तादाद में फरोख्त होंगे। लेकिन गंदम का रेट ज़्यादा ना होने की वजह से बेचने और ख़रीदने वाले यानी दोनों अतराफ मायूसी फैल गई। जिन किसानों ने सोच रखा था कि अपने अपने ट्यूबवेल को सोलर पैनल पर कन्वर्ट कर लेंगे, उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। और अब सोलर डीलर सोलर की डिमांड बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडे भी कर रहे हैं। कभी शोशा छोड़ते हैं कि सोलर पैनल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, और कभी कुछ अफवाह फैलाते हैं। तो आइए चलते हैं सोलर पैनल के रेट्स की तरफ। सबसे पहले बात शुरू करते हैं लॉन्जी कंपनी से। तो लॉन्जी कंपनी का सिंगल ग्लास सोलर पैनल जो कि 37 रुपए से लेकर 38 रुपए की रेंज में फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद लॉन्जी डबल ग्लास बाईफिशल सोलर पैनल जो कि 39 रुपए से लेकर 40 रुपए की रेंज में फ़रोख्त हो रहा है। और इसके बाद लॉन्जी हेमो 6 की बात करते हैं। जी हां, लॉन्जी हेमो 6 जो कि 40 रुपए की रेंज में फ़रोख्त हो रहा है। लॉन्जी हेमो 7 जो कि डबल ग्लास सोलर पैनल है और ये बाईफिशल है, ये 40 रुपए से लेकर 42 रुपए की रेंज में फ़रोख्त हो रहा है। नाज़रीन, हर शहर में रेट थोड़े बहुत ज़्यादा या कम होते हैं। असल में देखना ये होता है कि जिस शहर से आप सोलर पैनल ख़रीद रहे हैं वो कितनी बड़ा शहर है, क्योंकि जो छोटा शहर होता है वहाँ दुकानें भी कम होती हैं और वहाँ कंपटीशन भी कम होता है, जबकि बड़े शहरों में दुकानें भी ज़्यादा होती हैं और वहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये देखी जाती है कि जिस शहर से आप सोलर पैनल ख़रीद रहे हैं वो शहर कराची से कितनी दूर है, क्योंकि कराची से सोलर पैनल उस शहर में जाने के लिए जो आमदोरफ्त का ख़र्चा होता है दुकानदारों ने, वो ख़र्चा भी आपसे लेना होता है। इसके बाद बात करते हैं जे ए कंपनी की। तो जे ए कंपनी का सिंगल ग्लास सोलर पैनल जो कि 37 रुपए से लेकर 38 रुपए की रेंज में फ़रोख्त हो रहा है। जे ए कंपनी का बाईफिशल सोलर पैनल जो कि 38 रुपए से लेकर 39 रुपए की रेंज में फ़रोख्त हो रहा है। जे ए कंपनी का एन टाइप सोलर पैनल जो कि 39 रुपए से लेकर 40 रुपए की रेंज में फ़रोख्त हो रहा है। नाज़रीन, अभी बात करते हैं जिनको कंपनी की। तो जिनको कंपनी का सिंगल ग्लास सोलर पैनल जो कि 38 रुपए की रेंज में फ़रोख्त हो रहा है। जिनको कंपनी का डबल ग्लास बाईफिशल सोलर पैनल जो कि 39 रुपए की रेंज में फ़रोख्त हो रहा है। और जिनको कंपनी का एन टाइप सोलर पैनल जो कि 40 रुपए की रेंज में फ़रोख्त हो रहा है। नाज़रीन, इसके बाद बात करते हैं कनेडियन टॉपकॉन सोलर पैनल की जो कि 42 रुपए से लेकर 43 रुपए की रेंज में फ़रोख्त हो रहा है। तो नाज़रीन, अब कुछ मुख्तलिफ शहरों के रेट्स के हवाले से बात कर लेते हैं कि कराची में क्या रेट है, लाहौर में क्या रेट है, रावलपिंडी में क्या रेट है, क्वेटा और पिशावर में क्या रेट चल रहे हैं। तो आपको बताता चलूं कि कराची में सबसे कम रेट है जो कि 36 रुपए से लेकर 42 रुपए की रेंज में सोलर पैनल फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि लाहौर में 37 रुपए से लेकर 43 रुपए की रेंज में आपको सोलर पैनल मिलेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो कि महंगी मार्केट समझी जाती है, वहाँ आपको 38 रुपए, 39 रुपए से लेकर 44 रुपए और 45 रुपए की रेंज में सोलर पैनल मिलेंगे, जबकि क्वेटा में 39 रुपए से लेकर 44 रुपए की रेंज में सोलर पैनल मिल सकते हैं, और पिशावर में 38 रुपए से लेकर 43 रुपए तक आपको सोलर पैनल मिल सकते हैं। और अगर आप जे ए का 540 वाट का सोलर पैनल की बात करते हैं तो ये आपको 20,000 का मिल सकता है, और अगर लॉन्जी में 500 वाट की बात करते हैं तो ये आपको 18,000 रुपये में मिल सकता है। लॉन्जी में 550 वाट का सोलर पैनल जो कि 20,000 रुपये में मिल सकता है,
जिनको मैं सिंगल ग्लास में 500 वाट का सोलर पैनल तकरीबन 20,000 में आपको मिल सकता है। तो नाज़रीन, ये थे आज के ताज़ा तरीन रेट। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।